मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया के बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं, जापान के बच्चे स्कूल के अंदर झाड़ू क्यों लगाते हैं, क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम जापान से अच्छा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जापान के एजुकेशन सिस्टम को इंडिया से कंपेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड्स की। दोस्तों, इंडिया में मेनली 3 बोर्ड्स हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स। दोस्तों, इंडिया में हर एक स्टेट का अपना एक बोर्ड है जो हमें प्लस टू तक के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, यही वजह है कि इंडिया में सर्टिफिकेट की वैल्यू भी कम ज्यादा होती है बोर्ड्स के हिसाब से। और दोस्तों, एक देश में रहने के बावजूद भी कई बच्चों को बोर्ड्स के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें जापान की, तो जापान में पूरे देश में सिर्फ एक बोर्ड है जिसके अंदर बच्चों को प्लस टू तक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और दोस्तों, उस बोर्ड का नाम है MEXT, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस बोर्ड के तहत ही वहां पर हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि पूरे देश में हर एक बच्चे के सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम हो। दोस्तों, अब बात करते हैं जापान में पढ़ाई कैसे करवाई जाती है। दोस्तों, जापान के अंदर एजुकेशन कम्प्लीट करने का 6-3-3-4 का क्राइटेरिया है, मीन्स 6 ईयर्स एलिमेंट्री स्कूल, 3 ईयर्स जूनियर हाई स्कूल, 3 ईयर्स हाई स्कूल एंड जो लास्ट के 4 ईयर्स है उसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, यही क्राइटेरिया लगभग इंडिया में है, पर इंडिया में 4-6-2-3 का क्राइटेरिया है, मींस 4 साल प्राइमरी स्कूल, 6 इयर्स हाई स्कूल, 2 इयर्स सेकेंडरी स्कूल एंड लास्ट के जो 3 इयर्स है वह कॉलेज या यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन कैसे कंप्लीट करता है। लगभग लगभग दुनिया के हर देश का यही क्राइटेरिया होता है एजुकेशन का, पर दोस्तों मेन बात यह है कि बच्चा एजुकेशन जब कंप्लीट करता है तो उसके अंदर क्या सीखता है। दोस्तों, अगर बात करें जापान की, तो जापान के टीचर पर्सनली हर एक बच्चे से पूछते हैं कि उसका ड्रीम क्या है, उसका गोल क्या है, वो लाइफ में बनना क्या चाहता है। दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके दिमाग से स्ट्रेस कम हो जाता है और उसके माइंड में क्लैरिटी हो जाती है कि आखिर उसने लाइफ में बनना क्या है। दोस्तों, इंडिया में कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं पर उन्हें ये माइंड में क्लियर नहीं होता है कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के टीचर्स कभी भी बच्चों से पूछते ही नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। वह बस ईयर बाय ईयर कोर्स कंप्लीट कराते चले जाते हैं। और दोस्तों, कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी कई बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने पढ़ा क्या है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया होता है। दोस्तों, जापान के स्कूल में एक क्लास में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर एक क्लास में मैक्सिमम 50-60 बच्चे भी हो जाते हैं। और दोस्तों, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है पर उसके कंपैरिजन में स्कूल्स बहुत कम है और टीचर्स भी बहुत कम है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 40 स्टूडेंट पे एक टीचर है और दोस्तों जापान के अंदर 21 स्टूडेंट पे एक टीचर है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि टीचर और स्टूडेंट के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है। दोस्तों, जापान के कई स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं, वहां पर बच्चों को खुद ही अपने क्लास की सफाई करनी होती है, जिससे बच्चों को ये समझ आता है कि टीम वर्क में काम कैसे करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कैसे करते हैं, उन्हें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चों के अंदर हर एक काम को डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चों को इसी तरीके से वहां पर स्किल्स सिखाए जाते हैं। पर दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पर बच्चा कोई भी एक स्किल सीख सके। दोस्तों, अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो इंडिया में लिटरेसी रेट 75% है और जापान की लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। वहां पर 100% लगभग लोग लिटरेट माने जाते हैं। दोस्तों, यही सब वजह है कि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है, पर दोस्तों इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। दोस्तों, इंडिया में आज भी वही ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जाता है जो कि 10-15 साल पहले पढ़ाया जाता था। दोस्तों, अगर इन सब चीजों में चेंज नहीं ले आया गया तो आने वाले अगले 5-10 सालों में हम बाकी देशों के मुकाबले और पीछे चले जाएंगे एजुकेशन। दोस्तों, आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा जिन्होंने लद्दाख में पूरा एजुकेशन का मॉडल ही बदल दिया, जहां पर सेकमोल मॉडल के अंदर वहां के स्टूडेंट को पढ़ाई करवाई जाती है, जिसे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम बताया है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट वहां से भी सीख लेके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकती है। और दोस्तों, किसी भी देश के अंदर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन से ही देश बढ़ता है आगे। और दोस्तों, अगर एजुकेशन को सही नहीं किया गया तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे सुपर पावर बनेंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिले। धन्यवाद।